लोकेटेड है। तो आज हमने पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, इन फीमेल्स द प्रोडक्शन ऑफ एग इज अ साइक्लिक एक्टिविटी एज कंपेयर टू मेल्स इन होम गैमीट प्रोडक्शन एंड रिलीज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिगनिंग एट प्यूबर्टी एंड लास्टिंग थ्रू आउट लाइफ। फीमेल्स में एग्स की प्रोडक्शन के सिलसिले में एक साइक्लिक प्रोसेस रन कर रहा होता है, जबकि मेल्स में ऐसा नहीं है। मेल्स में गैमीट प्रोडक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और थ्रू आउट द लाइफ टाइम कंटिन्यू रहता है ये प्रोसेस। और ये जो मेल्स में गैमीट प्रोडक्शन प्यूबर्टी यंग एज में स्टार्ट होती है और थ्रू आउट द लाइफ टाइम ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। और एग प्रोडक्शन फीमेल्स में जबकि एक साइक्लिक एक्टिविटी है, इस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल द प्रोडक्शन ऑफ एग दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस एंड दिस साइक्लिक प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। देवी ये ठीक कर दे, इधर आना। ये आप देख रहे हैं गर्ल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कैसे मेंशन करेंगे। ह्यूमन फीमेल्स द पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली 28 डेज। ये जो पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये 28 डेज तक इसका ड्यूरेशन है। वो बेकोस नहीं हो, ठीक है। ये जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है इसका ड्यूरेशन है 28 डेज एंड इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और स्ट्रक्चर और फंक्शन में सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आती हैं और 28 डेज तक ये साइकिल है। 28 डेज बाद न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व द ओवेरियन साइकिल एंड यूट्रस यूट्राइन साइकिल। यूट्रस से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं इस साइकिल में वो यूट्राइन साइकिल कहलाते हैं और जो ओवरी से मतलब इवेंट्स हैं वो ओवेरियन साइकिल में इंक्लूडेड है। एंड ऑल दीज इवेंट्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में रोल प्ले करती हैं उन सिक्रीशंस को गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। प्राइमरी स्टेप्स फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के चार तरह से हैं, चार फेजेस हैं। पहली फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बाद प्रोलिफरेशन फेज आती है। प्रोलिफरेशन का मतलब सेल्स अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। ओवरी में फॉलिकल सेल्स होते हैं, वो फॉलिकल सेल्स अपने साइज इंक्रीज करते हैं, नंबर इंक्रीज करते हैं। तो प्रोलिफरेटिव फेज, सेकंड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड प्रोलिफरेटिव फेज, फिर थर्ड सिक्रीटरी फेज और फोर्थ है मेंस्ट्रुएशन फेज। फिर इस तरह ये डायग्राम में भी फेजेस दिखाई हुई है लेकिन लिखने में जरा फर्क तरीके से बताया हुआ है। वो डायग्राम के बारे में मैं आपको बता रही थी, लिखने में इस तरह से है कि हॉर्मोन्स, स्पेशल हॉर्मोन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट की जो हॉर्मोन्स मेंशन करने हैं वो है पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स। प्राइमरी स्टेप्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स आर द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन FSH, which stimulates the development of several primary follicles. तो pituitary glands के जो hormone जो young age में secrete होते हैं वो FSH है। FSH means follicle stimulating hormone। ये नाम से ही जाहिर है कि ये ovary के अंदर जो primary follicles हैं उनकी development में ये hormone role play करता है।
Only one of these follicles continues to grow with the primary oocytes, while the rest break down by a degenerative process known as follicle atresia. सिर्फ एक follicle ज्यादा grow करता है और उसमें primary oocytes बन जाते हैं और बाकी जो follicle cells हैं वो degenerate होते हैं और degenerative process को follicle atresia कहते हैं. तो एक follicle cell में primary oocytes मौजूद होते हैं यानी डेवलपमेंट के बाद बन जाते हैं. द ओवरी अंडर द स्टिमुलस ऑफ FSH आल्सो प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन हार्मोन. फिर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फॉलिकल की स्टिमुलेशन से एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी सीक्रेट करती है. दिस ऑन द वन हैंड स्टिमुलेट्स द एंडोमेट्रियम इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वॉल. ये लिविंग नहीं, ये लाइनिंग, ये लव्स है लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग यूट्रस वॉल की बन जाती है, डेवलप हो जाती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द ओवरी. तो इंटरनल लाइनिंग जो यूट्रस की है उसे क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट होती है एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में, वैस्कुलराइजेशन होती है एंडोमेट्रियम की. फिर ऑन द अदर हैंड एस्ट्रोजन हार्मोन इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ एफएसएच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. जब एस्ट्रोजन एनफ अमाउंट में सिक्रीट हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच की प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाती है. डिक्रीज ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन कॉजेज द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट अनदर हार्मोन कॉल्ड लुटिनाइजिंग हार्मोन एलएच. एलएच इंड्यूसेस ओवुलेशन. ओवुलेशन मींस रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द फॉलिकल. एफएसएच की प्रोडक्शन बंद हो जाती है और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है. और एस्ट्रोजन जब इंक्रीज्ड अमाउंट में सिक्रीट होता है तो एक और हार्मोन लुटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है जिसकी प्रेजेंस में ओवुलेशन का प्रोसेस होता है. थर्ड स्टेप मेंस्ट्रुअल साइकिल का आप देखें. थर्ड स्टेप में ये बताया हुआ है कि फॉलिकल सेल्स आफ्टर रिलीज ऑफ द एग आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस लूटियम. जब ओवुलेशन हो जाती है तो फॉलिकल सेल से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कॉर्पस लूटियम कहते हैं. ये कॉर्पस लूटियम येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है. यानी कॉर्पस लूटियम से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं. This hormone develops the endometrium and makes it receptive for the implantation of the zygote and placenta formation. अब progesterone hormone जब secrete होता है corpus luteum के बनने के बाद corpus luteum से, तो इस hormone की presence की वजह से zygote की इम्प्लांटेशन ओवरी में उसमें सॉरी यूट्रस में इजी हो जाती है. जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट हो सकता है इस हार्मोन की प्रेजेंस में. और एक टिश्यू है प्लेसेंटा, वो भी इम्प्लांटेशन के बाद बन जाता है. इस टिश्यू की प्रेजेंस का मतलब ये है कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उसको न्यूट्रिएंट्स और फ्रेश एयर ऑक्सीजनेटेड एयर सप्लाई की जा सके और एम्ब्रियो से वेस्ट मटीरियल एक्सक्रीट आउट हो सके. ये काम प्लेसेंटा परफॉर्म करता है. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द कॉर्पस लूटियम स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग. फर्टिलाइजेशन ना हो, जाइगोट ना बने तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन भी इस तरह से डिमिनिश हो जाती है. यानी प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लूटियम से बन रहा होता है, जब कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है तो जाहिर है फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता. And its course effect on the spongy endometrium. और diminish जब ये progesterone secretion होती है तो endometrium जो spongy endometrium है उसकी उसमें भी reduction आता है और वो break होने लग जाती है. Endometrium में break और reduction process start हो जाता है progesterone की diminish से. और जब break होती है endometrium तो discharge of blood and cellular debris known as menstruation occurs. तो फिर एक बाद में menstruation start हो जाती है जिसमें blood और cellular debris release हो जाता है. This stage usually lasts for 3 to 7 days. Menstruation का जो phase है ये 3 से 7 दिन तक
होती है. द साइकिल इज दस कंप्लीटेड एंड द यूट्रस इज रेडी टू एंटर इनटू द नेक्स्ट साइकिल. मेंस्ट्रुएशन के बाद यूट्रस नेक्स्ट साइकिल में एंटर हो जाता है. द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली रिपीट्स एवरी 28 डेज ऑल्दो देयर इज कंसीडरेबल वेरिएशन इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स और इवन विद इन द सेम इंडिविजुअल एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ हर एज. फीमेल की जो डिफरेंट एजेस हैं उनमें ये साइकिल का ड्यूरेशन भी डिफरेंट होता है और डिफरेंट इंडिविजुअल्स में भी इस साइकिल के लिहाज से वेरिएशंस हैं. मैलनरिशमेंट एंड इमोशनल स्ट्रेसेस. मैलनरिशमेंट एंड इमोशनल स्ट्रेसेस इफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल व्हिच मे बी डिस्टर्ब्ड. Malnourishment and emotional stresses affect the female reproductive cycle, which may be disturbed. अगर हम सही फूड नहीं लेंगे, malm का मतलब bad. अगर हम bad food लेंगे और वो emotional disturbance का शिकार होंगे तो reproductive cycle भी ठीक तरह से work नहीं करेगी और disturbed होगी. The cycle is not completed in its normal 28 days. तो फिर नॉर्मल 28 डेज में साइकिल कंप्लीट नहीं होगी. फिर 15 दिन बाद भी मेंस्ट्रुएशन हो सकती है, 10 दिन बाद भी मेंस्ट्रुएशन हो सकती है. सो मेल नरिशमेंट और इमोशनल स्ट्रेसेस नहीं होना चाहिए ताकि साइकिल ठीक वर्क करे. बर्थ. अब बर्थ से पहले नेक्स्ट टॉपिक है बर्थ. बर्थ से पहले आपकी गर्ल्स देखें, बर्थ से पहले आप देखें गर्ल्स ये कॉर्पस लूटियम कैसे बना है. सबसे पहले आप देखेंगे ये ओवरी है. ओवरी की ये आउटलाइन सी दिखाई हुई है और ओवरी की आउटलाइन के अंदर जो है फॉलिकल सेल्स हैं. फॉलिकल सेल्स पहले छोटे साइज में दिखाए हुए हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़े फॉलिकल सेल्स बने. बड़े फॉलिकल सेल्स में ओवोसाइट्स बने. फिर ओवोसाइट से एक बड़ा प्राइमरी ओवोसाइट बन गया. फिर प्राइमरी ओवोसाइट से सेकेंडरी ओवोसाइट बन गया. सेकेंडरी ओवोसाइट ये लैदा से एक दिखाया हुआ है. सेकेंडरी ओवोसाइट जो है उससे बाहर जोना पेलुसीडा. जोना पेलुसीडा एक आउटलाइन है. फिर कोरोना रेडिएटा ये एक मटेरियल है. कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसीडा ये सेकेंडरी ओवोसाइट के बाहर है. फिर सेकेंडरी ओवोसाइट के बाद मेच्योर ओवम बनता है. मेच्योर ओवम से मेचोरोवम जब रिलीज होता है ओवरी से दैट प्रोसेस दैट फेज इज कॉल्ड ओवुलेशन. ओवुलेशन के बाद फिर फॉलिकल सेल से कॉर्पस लूटियम एक येलोश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जो आपको मैंने बताया कि प्रोजेस्टिरोन सिक्रीट करता है. प्रोजेस्टिरोन की सिक्रीशन से क्या होता है कि यूट्राइन वॉल प्रिपेयर हो जाती है फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट. लेकिन अगर जाइगोट नहीं बनता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जाइगोट नहीं बनता तो फिर कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाता है और डीजनरेट होके वो स्मॉल साइज का हो जाता है. फिर उसके बाद मेंस्ट्रुएशन स्टेज आ जाती है अगर ओवुलेशन हो जाए लेकिन मेच्योर ओवम बन जाए लेकिन जाइगोट ना बने, फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाती है और सेलुलर डेब्रिस और ब्लड डिस्चार्ज होता है. ये 3 से 7 दिन तक ये फेज रहती है, इसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. ये आप फिर एक और ये ग्राफ सा दिखाया हुआ है आपकी बुक में. ये ग्राफ आप गर्ल्स देखें, इसके वाई एक्सिस पे बताया हुआ है थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम. ठीक है, ओवेरियन साइज, ओवेरियन इवेंट्स. वाई एक्सिस पे ओवेरियन इवेंट्स दिखाए हुए हैं और थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम. और एक्स एक्सिस पे डेज लिखे हुए हैं कि कितने दिनों तक ये साइकिल रन करता है. यानी 28 दिन मेंशन किए हुए हैं एक्स एक्सिस पे. तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन है, फिर कुछ दिन प्रोलिफरेटिव फेज रहती है, फिर कुछ दिन सिक्रीटरी फेज आती है, फिर उसके बाद दोबारा एंड पे मेंस्ट्रुएशन 27 दिन बाद फिर दोबारा मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाती है. तो ये डेज एक्स एक्सिस पे शो किए हुए हैं और वाई एक्सिस पे एंडोमेट्रियम की थिकनेस के बारे में एक ग्राफ सा है और वेरियन इवेंट्स बताए हुए. वेरियन इवेंट्स आप देखें
डिवेलपिंग फोलिकल। फोलिकल सेल पहले बहुत स्मॉल साइज का होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो ओवरी से सिक्रीट होता है उसकी प्रेजेंस में और लूटिनाइजिंग हार्मोन से और एस्ट्रोजन हार्मोन से ये बड़े साइज का फॉलिकल हो जाता है, फिर उससे बड़े साइज का फिर मिच्योर फॉलिकल सेल्स बन जाते हैं। उसमें मिच्योर फॉलिकल सेल्स में प्राइमरियस कैंब्रियोसाइट्स होते हैं, फिर ओवुलेशन होती है, फिर फॉलिकल सेल्स जो हैं वो रिग्रेसिव कॉर्पस लूटियम बना देते हैं, फिर कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। दिस हार्मोन हेल्प्स फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इनसाइड द यूट्राइन वॉल। तो अगर इम्प्लांटेशन ना हो तो फिर दोबारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है और कॉर्पस लूटियम रिग्रेसिव और छोटा होके छोटे साइज में आ जाते हैं। गर्ल्स आज इतना ही काफी है, अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं। नेक्स्ट कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बर्थ। बर्थ कैसे होती है, बेबी बर्थ का सारा प्रोसेस, उसमें बेबी बर्थ का प्रोसेस ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है और उसमें कौन से हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हैं और क्या मस्कुलर और दूसरी कौन सी चेंजेस आती हैं, फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन सी हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इसका एब्रीविएशन है STD, S फॉर सेक्सुअली, T फॉर ट्रांसमिटेड एंड D फॉर डिजीजेस। एसटीडी में तीन चार डिजीजेस बताई हुई हैं, ये फोर डिजीजेस एसटीडी में बताई हुई हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सी हैं। फोर ये डिजीजेस मेंशन की हुई हैं, फिर आखिर में इनका कंट्रोल बताया हुआ है चंद लाइनों में, तो बर्थ प्रोसेस, टेस्ट ट्यूब बेबीज और एसटीडी, ये तीन टॉपिक्स हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब हम मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं गर्ल्स, ओके, अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं। ये आप पढ़ें, ये ग्राफ और चार्ट और डायग्राम साथ आप देखेंगे ना तो इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएगी। मैं अब आपकी अटेंडेंस ले लूं गर्ल्स। परम इसको बुलाओ, तो बोलो बात सुने मेरी। मैं 366 रोल नंबर। अच्छा ठीक है, बोलो यार। मुझको वो मेरी बात सुन, मैम स्क्रीनशॉट ले लिया करें, 12 तो स्टूडेंट्स के साथ। बात नहीं सुन रही, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ गर्ल्स। मेरी जी बात तो सुन ले, एक्सक्यूज मी मिस। हाँ जी मिस, आयशा की बात सुन ले। किसकी? आयशा की, आयशा की। हाँ, क्या क्या कहना चाह रही हूँ, कहें। मिस की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिया करें ना। हाँ जी कहें। मिस जी कह तो रही हूँ, अटेंडेंस ले रही हूँ गर्ल्स। आयशा बोले कि तुम इस सुनेंगी ना। ठीक है गर्ल्स, आप ज्यादा तादाद में लेक्चर सुना करें। 44 लड़कियों ने अपने नाम अपना नंबर मुझे दिया व्हाट्सएप वाला, लेकिन कम आती हैं। ठीक है, आप ज्यादा तादाद में आए लेक्चर से इस्तफादा हासिल करें, आपका फायदा है इसमें।
सेकंड ईयर में आपको प्रमोट किया है तो आप भी फिर कोऑपरेट करें। लेक्चर सुनिए, टाइम दें। अच्छा ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम।